Now, okay, in previous practical, we had completed about the pump, introduction of a pump. उसमें हमने pump का introduction देखा था, उसमें हमने centrifugal pump जो है, वो देखा था, centrifugal pump कैसे work होता है, वो हमने देखा था. Now, in today, we have to see the compressor, what is meant by the compressor, and what is meant by the turbine. Turbine में हमें expected सिर्फ Pelton turbine ही है, हमारे syllabus में. But see here, I will explain you both Francis turbine as well as Kaplan also. यहाँ पे मैं आपको Francis and Kaplan दोनों भी बता दूँ. It is out of our syllabus. This is only included in our syllabus. Pelton wheel is included in only our syllabus. Okay. Now let's to move towards the compressor. Okay. अभी हमने देखा था कि एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस एंड एनर्जी एब्सॉर्बिंग डिवाइसेस, ये दो टाइप के डिवाइसेस थे, एनर्जी प्रोड्यूसिंग एंड एनर्जी एब्सॉर्बिंग. एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस मतलब क्या, कि जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, व्हिच प्रोड्यूसेस द एनर्जी. ओके, एंड एनर्जी एब्सॉर्बिंग मींस व्हिच एब्सॉर्ब द एनर्जी. ओके, वो एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं. अभी एनर्जी प्रोड्यूसिंग में आता है टर्बाइन, बॉयलर एंड आईसी इंजिंस. एंड एनर्जी एब्सॉर्बिंग जो है, एनर्जी एब्सॉर्बिंग में आता है ये पंप, ये कंप्रेसर, रेफ्रिजरेटर एंड एसी. सो पंप जो है, पंप तो हमने देखा है. देन ये है आपका कंप्रेसर, इसी तो कंप्रेसर ये हमें देखना है. अभी दिस, ये जो कंप्रेसर है, लेट्स सी दिस वन. ओके, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी वेयर यू हैव सीन दिस कंप्रेसर. ये कंप्रेसर आपने कहां पे देखा है? यस, कहां पे देखा है कंप्रेसर आपने? पंचर की शॉप पे. ओके, पंचर शॉप. ओके, ये पंचर शॉप रहता है, वहां पे आपने देखा होगा. नाउ लेट्स सी, दिस टोटल इज नॉट द कंप्रेसर, दिस मच इज द एयर कंप्रेसर. ये जो पार्ट है, ओके, आई विल, ओके, इतना जो है, सिर्फ इतना ही, ये एयर कंप्रेसर का पार्ट है, दिस वन. ये जो है नीचे वाला, ये है टैंक, इसको हम प्रेशर वेसल भी बोल सकते हैं. We are call it as a pressure vessel also. इसको हम प्रेशर वेसल भी बोल सकते हैं, और वी कैन कॉल इट एज द टैंक. इसको टैंक बोल सकते हैं एंड प्रेशर वेसल also. बिकॉज जो कंप्रेस्ड हुई एयर है, वो क्या होती है, इस टैंक में स्टोर होती है. That's what is a pressure vessel. Okay. Actually, this is the compressor part. So let's see. We are going to learn about this one. पंप हमने देखा है, पंप का क्लासिफिकेशन, सेंट्रीफ्यूगल पंप भी देखा है. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द कंप्रेसर. वन मिनट, इशू का ठीक चंद. अब देखिए कंप्रेसर, कंप्रेसर क्या है? एयर कंप्रेसर. यस, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज मीन बाय द एयर कंप्रेसर? Yes, its name indicates itself, its meaning, air compressor. Yes. इसके नाम में इसका मीनिंग है, बताओ एयर कॉम्प्रेसर मतलब क्या? It is simply just the device which compresses the air. It is a device which compresses the air. Okay, this is air compressor. Let's see. A device which takes a definite quantity of fluid. Okay, definite quantity of fluid. But here, जो fluid है, वो fluid क्या रहेगा? Gas रहेगा और air रहेगी. Here the fluid is what? Air or gas. Whereas if you take the pump. अगर आप पंप लेते हो तो वहां पे ही फ्लूड ही रहता है, वहां पे ही फ्लूड ही रहता है. बट फ्लूड इज व्हाट? लिक्विड. लिक्विड में क्या क्या आएगा? आपका वाटर आ सकता है, और इधर आपका ऑयल आ सकता है. ओके, फ्लूड हैज टू टाइप्स. फ्लूड के दो टाइप है, एक लिक्विड फ्लूड एंड दूसरा जो है वो गैसियस फ्लूड. ओके, सो यहाँ पे जो है कंप्रेसर में, कंप्रेसर में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपका जो फ्लूड है, वो फ्लूड क्या करेंगे, कंप्रेसर में जो फ्लूड है वो क्या कर सकते हैं, हम गैस और एयर लेते हैं. व्हेरेज इन पंप वी आर टेकिंग फ्लूड एज अ वाटर और ऑयल, आइदर वाटर और ऑयल लेते हैं. ओके, सो हियर वी आर टेकिंग द फ्लूड एज अ गैस.
Okay, so device which takes definite quantity of fluid, usually gas and most often air, and deliver it to required pressure. इसको हम क्या करते हैं, जो हमें required pressure है उस pressure तक हम इसको क्या करते हैं, compress करते हैं. So this is the compressor, a device which takes the definite quantity of fluid and deliver it at a required pressure. Now air compressor generally क्या करेगा, it will take the atmospheric air लेगा, उसको कंप्रेस करेगा. कंप्रेस करने के बाद इसको क्या करेगा, ये स्टोरेज वेसल जो है, प्रेशर वेसल, रिजर्वायर और टैंक, इसमें क्या करेगा, वो स्टोर करेगा. और जहाँ पे हमें कंप्रेस्ड एयर चाहिए वहाँ पे हम बाद में क्या करेंगे, उस टैंक में से वो कंप्रेस्ड एयर निकाल लेंगे. कंप्रेस्ड एयर वी आर टेकिंग फ्रॉम द दिस टैंक. आया समझ में? कंप्रेसर क्या करेगा, जनरली एटमोस्फेरिक एयर अंदर लेगा, उस एटमोस्फेरिक एयर को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, एंड कंप्रेस करने के बाद उसको क्या करेगा, वो वेसल में स्टोर करके रखेगा. एंड जहाँ जब हमें जरूरत होगी तब हम क्या करेंगे, उस वेसल से वो कंप्रेस की हुई एयर वो वापस ले लेंगे. इज इट, आया समझ में? यस यस, समझ में आया क्या? Yes, sir. How 28 students are there? Yes. Batch में 28 students कैसे हैं? Practical किस batch का है? B batch का है ना? Yes, sir. हाँ, तो बाकी के batch के students कैसे join हुए यहाँ पे? Sir, but हमारे calendar में दिखा रहा है C batch वालों के. अरे दिखा रहा है, मैंने उस जनरल सभी के लिए वो ऑर्गेनाइज किया है इसलिए दिखा रहा है आपको. लेकिन आपकी जो कोई है ना, वहाँ पे आपको ज्वाइन करना है. आपकी जो बैच है, कौन सी बैच है आपकी, वहाँ पे जाइए. सी बैच वाले सी बैच का कौन सा प्रैक्टिकल है, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है जो ज्वाइन था, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल. सी बैच जस्ट लीव दिस क्लासरूम. ओके सर, ज्वाइन द केमिस्ट्री. कुछ बच्चे जो है वो बैचेस में एडजस्ट नहीं हुए हैं, वो जनरल में लॉग इन हुए हैं, इसलिए मैंने वो जनरल के लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी. सी बैच स्टूडेंट जस्ट लीव दिस मीटिंग एंड ज्वाइन द केमिस्ट्री क्लासरूम. यस क्विक. स्टिल 3 मोर स्टूडेंट्स आर देयर. So this is the compressor. Now compressor requires what? Compressor में हम क्या करते हैं? We are doing the work on the gas. यहाँ पे दो चीजें हैं. Let's see. System पे अगर हम work provide करते हैं, if we are providing the work on the system, ये अलग बात है. और जब हम system से work लेते हैं तो ये अलग बात है, वो थोड़ा सा डिफरेंट थिंग. मतलब सिस्टम रन करने के लिए हमें कुछ सप्लाई करने की जरूरत है, एंड सिस्टम कुछ तो हमें दे रही है, वो थोड़ा सा डिफरेंट थिंग. सो हियर व्हाट वी आर डूइंग द वर्क ऑन द गैस. हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, इट मींस वी आर डूइंग द वर्क ऑन दैट गैस. ओके, नाउ कंप्रेसर मस्ट बी ड्रिवन बाय द सम पार्ट ऑफ द प्राइम मूवर. नाउ लेट्स सी हियर. हमने पहले देखा है कि जो पावर अब्सॉर्बिंग डिवाइसेस है इसमें कंप्रेसर आता है, दिस इज द एनर्जी एब्सॉर्बिंग डिवाइसेस. इस कंप्रेसर को रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है. हियर वी आर सप्लाइंग द इलेक्ट्रिसिटी, दैट इलेक्ट्रिसिटी विल रोटेट दिस मोटर. ये मोटर रोटेट करेगा. नाउ इस मोटर से हम क्या करते हैं, इस कंप्रेसर के क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करते हैं. इसका वर्किंग कैसे होता है मैं बाद में आपको बताता हूँ, बट स्टिल टाइम जस्ट कीप रिमेंबर, वी आर सप्लाइंग द इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट इलेक्ट्रिसिटी विल रन दिस मोटर एंड दैट मोटर विल रन द क्रैंकशाफ्ट ऑफ दिस compressor. So it means we are supplying the electricity to run the compressor. So that is called as a prime mover. Okay, agar hum kahan se power le rahe hai kisi system ko run karne ke liye, hum jahan se power le rahe hai usko bolte hai prime mover. Now generally engine wagera jo hai wo prime mover hai. Agar hum engine start karte hain, so engine se jo power aayegi उसका हम यूज बाकी के अलग अलग कामों के लिए कर सकते हैं. सो इंजन इज नॉट द प्राइम मोर, इंजन जो है प्राइम मोर है. नेक्स्ट,
Now let's see, there is a difference between the pump and the compressor. Now what is the major difference? Let's see, the first major difference is what? Compressor handle the gaseous. Compressor will handle the gases. Compressor kya handle karta hai? Gas handle karta hai. And pump, maine aapko bataya, pump handle the liquid. Fluid aur liquid mein confusion mat karo. Fluid jo hai, fluid mein liquid fluid bhi aayenge and gaseous fluid bhi aayenge. Fluid mein liquid fluid bhi aayenge, gaseous fluid bhi aayenge. But just don't confuse between the fluid and liquid. Okay, liquid is the one of the type of fluid. Okay, now here compressor and gas, ye dono bhi hum fluid handle karte hain. Okay, pump and compressor both are handling the fluid. Ye dono bhi fluid hi handle karte hain, but pump will handle liquid fluid. Pump kya handle karta hai? Liquid fluid handle karta hai. And compressor jo hai wo gaseous fluid handle karta hai. Ab yahan pe different different gases ho sakte hain aapke, O2, H2, N2 aur mixed air. और मिक्स्ड एयर. ओके, इसमें एटमॉस्फेरिक एयर आएगी. मिक्स्ड एयर मतलब एटमॉस्फेरिक एयर आएगी. ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस फ्लूइड एंड लिक्विड. ओके, सो हियर दिस इज द मेजर डिफरेंस. नाउ नेक्स्ट, द गैसेस आर कॉम्प्रेसिबल. अभी जो गैसेस है, गैसेस आर कॉम्प्रेसिबल एंड द कॉम्प्रेसर ऑल्सो रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ द गैस. एज द गैसेस आर कॉम्प्रेसिबल, गैसेस क्या है, कॉम्प्रेसिबल है, इसकी वजह से गैस का वॉल्यूम जो है वो कम हो सकता है. वी कैन डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ गैस. whereas liquids are incompressible. लिक्विड जो है वो incompressible है. Now इसके लिए मैं आपको सीधा example बता दूँ, सादा example आपको बताता हूँ. अपने होली के time, let's suppose अपने होली के time क्या करते हो, पिचकारी use करते हो. होली के time आप क्या करते हो सर? पिचकारी use करते हो. Okay. Now let's see, when you are sucking the air into this injection or this container, जब आप only air इसमें suck करते हो और जब इसके opening को बंद करते हो, air पूरी की पूरी suck कर लो, फिर इसका opening जो है वो close कर लो, और जब आप piston inside push करते हो, when you are pushing the piston inside, उस time piston अंदर जाता है क्या? Yes. Piston अंदर जाता है क्या? अगर आपने पिचकारी में एयर ले ली, फिर इसका जो ओपनिंग है वो क्लोज कर दिया, और जब आप पिस्टन को अंदर पुश करोगे, तो ये जो पिस्टन है वो अंदर जाता है क्या? अंदर मुंह होता है क्या? नो नो, इज इट? कभी किया है कि नहीं ये सब? पिस्टन विल मूव फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन. पिस्टन जो है ये फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन तक जा सकता है. But whereas let's suppose this is the opening now, and if you take, now this is the piston, ये रहेगा आपका पिस्टन के पोजीशन, फाइनल पोजीशन, जब आपने इसमें पूरा का पूरा वाटर फिलअप किया है. And after that just close this end, and now try to push this piston. अब इस पिस्टन को पुश करो, अब पिस्टन अंदर जाता है क्या? Yes. जाएगा क्या अंदर पिस्टन? अब टेक द वाटर, अगर अंदर में वाटर ले लो तो पिस्टन बिल्कुल भी पुश नहीं होता है. दिस इज व्हाई, बिकॉज द लिक्विड्स आर इनकॉम्प्रेसिबल, देज आर रिलेटिवली इनकॉम्प्रेसिबल, दैट्स व्हाई दे आर क्रिएटिंग मोर प्रेशर. दे आर क्रिएटिंग मोर प्रेशर, प्रेशर भी बढ़ा सकते हैं ये लिक्विड्स. ओके, और जब हम एयर का यूज करते हैं तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं न्यूमेटिक. व्हेन वी आर यूजिंग द एयर एज अ फ्लूइड, देन एट दैट टाइम वी आर कॉलिंग एज न्यूमेटिक. एंड इफ वी यूज द लिक्विड, वी यूज द लिक्विड लाइक वाटर और ऑयल, अगर हम वाटर या फिर ऑयल यूज करेंगे तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? यस, बताइए क्या? इफ यू यूज द लिक्विड, कॉम्प्रेस लिक्विड, and if you use the compressed air, when we are using the compressed air, then it is called as a pneumatic system. And if we use the compressed liquid, then it is called as what? Hydraulic. It is called as a hydraulic system.
Okay. So just keep remember. So in hydraulic system we are using the pump. हम क्या करते हैं hydraulic system में pump use करते हैं and pneumatic system में हम क्या करते हैं compressor use करते हैं. Yes. आया समझ में? Yes. Yes. So this is the difference between the pump and the compressor. Now I think this should be clear to you. दोनों का difference समझ में आया होगा. अलग समझ समझ लगा? Difference समझ लगा दोनों मतलब? Yes. Yes. कोडे प्रथमेश. Yes. Yes. कोडे. Yes, sir. Now application. Now let's see the application of the compressor. Compressor हम कहाँ कहाँ पे use करते हैं? हम कंप्रेसर एयर कंडीशनर में यूज करते हैं, एसी घर के एसी में भी, सॉरी कार के एसी में भी और घर के एसी में भी यूज कर सकते हैं. देन न्यूमेटिक डिवाइसेस, न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन वगैरह आपने देखी होगी. देखा क्या, अगर किसी का स्लैब का स्ट्रक्चर रहता है, देखो अगर स्लैब रहता है तो स्लैब को ब्रेक करने के लिए आपने देखा होगा एक न्यूमेटिक टूल आता है, एक ऐसी मशीन रहती है यहाँ पे, ये जो है नीचे ऊपर नीचे ऐसा आवाज रहता आता है इसका. देखा क्या मशीन ये, अगर कंक्रीट को ब्रेक करना हो तो. सो दैट इज कॉल्ड एज द न्यूमेटिक डिवाइस. इसको हम न्यूमेटिक डिवाइस भी बोल सकते हैं. नाउ होम एंड इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन में भी हम यूज करते हैं. देन हाइड्रोलिक कंप्रेसर्स फॉर इंडस्ट्रियल मशीन. नाउ हाइड्रोलिक कंप्रेसर मींस जो लिक्विड को कंप्रेस करेगा, जो लिक्विड को कंप्रेस करेगा वो हम इंडस्ट्रियल मशीन में यूज करते हैं. इसका अगर साधा एग्जाम्पल हम देखेंगे ना तो उसको बोलते हैं हम जेसीबी, जेसीबी और पोकलेन. ओके okay. पता है आपको जेसीबी और पोकलेन? जेसीबी पता है ना सभी को? यस यस सर. कोकटे श्वेता माहित है ना? श्वेता आहे का लेक्चर मध्ये? ठीक है. सो इसमें हम क्या करते हैं हाइड्रोलिक कॉम्प्रेसर यूज करते हैं. ओके नाउ एयर कॉम्प्रेसर फॉर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, एयर कॉम्प्रेसर फॉर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग. अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स रहेंगे उसमें हम एयर कॉम्प्रेसर वगैरह यूज करते हैं. ओके कॉम्प्रेस्ड एयर. ओके नेक्स्ट, अगर इसका हम एग्जाम्पल बताएं तो सीधा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ. आप हम जब प्लास्टिक बॉटल लेते हैं, प्लास्टिक बॉटल, तो उस टाइम क्या करते हैं देखिए, जो प्लास्टिक फ्लूड है, प्लास्टिक का फ्लूड क्या करते हैं, लेट सपोज यहाँ पे ऐसा ढांचा रहेगा, ये यहाँ पे क्या होता है ऐसा ढांचा रहता है, यहाँ पे वैसे ऐसा रहेगा शेप ऑफ द प्लास्टिक बॉटल, ऐसा ही ढांचा रहता है. ओके यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस साइड से, इस साइड से हम क्या करते हैं प्लास्टिक जो है ये प्लास्टिक ऐसे डालते हैं, मोल्टन प्लास्टिक, एंड इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं कॉम्प्रेस्ड एयर डालते हैं, कंप्रेस्ड एयर इन दोनों के बीच में. तो इससे क्या होगा, यस कैन यू टेल मी, इससे क्या होगा, यस बता सकते हैं आप इससे क्या होगा? जैसे ये प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक का मोल्डन यहाँ से ऐसे ऐसे आता है, नीचे नीचे आता है, तभी ये कंप्रेस्ड एयर क्या करेगी, इसको अगेंस्ट द वॉल पुश करेगी, इसको अगेंस्ट द वॉल पुश करेगी. सो प्लास्टिक जो है वो प्लास्टिक क्या हो जाएगी, शेप में आ जाएगी. सो दिस इज कॉल्ड एज द यूज ऑफ कंप्रेस्ड एयर इन द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग. आया समझ में? यस सर. यस सर. नाउ लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर. कंप्रेसर के क्लासिफिकेशन सेम आपके पंप के जैसे है. ओके सेम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर, डायनामिक सेम यहाँ पे था. पंप में भी अगर देखेंगे ना, पंप का भी सेम वही है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, डायनामिक पंप. देन पॉजिटिव के अगर दोनों टाइप थे वहाँ पे भी, रेसिप्रोकेटिंग पंप, यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, वहाँ पे भी था आपका रोटरी पंप, यहाँ पे भी रोटरी कंप्रेसर है. डायनामिक में वहाँ पे था आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, वहाँ पे भी था आपका एक्सियल पंप, एक्सियल पंप, यहाँ पे आपका एक्सियल कंप्रेसर. रेसिप्रोकेटिंग के दो टाइप थे, सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग. नाउ यहाँ पे भी आपके
सेम ही है, सिंगल एक्टिंग डबल एक्टिंग, कंप्रेसर भी आपके सिंगल एक्टिंग डबल एक्टिंग ही रहेंगे। डबल एक्टिंग मतलब क्या, मैं आपको बता दूं, वेयर इज दैट फिगर, लेट्स सी दिस फिगर। ये फिगर आप देखिए, यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सिलेंडर है एंड दूसरा यहाँ पे एक सिलेंडर है। सो जैसे ही एयर इस सिलेंडर में आती है, ये इसको क्या करेगा, एयर को कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करने के बाद ये कंप्रेस्ड एयर इस सिलेंडर में वो इंसर्ट करेगा, फिर ये सिलेंडर इसको और कंप्रेस करेगा एंड अगेन आपको क्या मिलेगी, बाहर फाइनल कंप्रेस्ड एयर। सो दैट इज व्हाट, टू स्टेज, ये आ गया आपकी टू स्टेज। सो सेम यहाँ पे भी कंप्रेसर में भी वही क्लासिफिकेशन रहेगा आपका, सिंगल एक्टिंग एंड डबल एक्टिंग, देन हेलिकल स्क्रू, लिक्विड रिंग, स्क्रोल, स्लाइडिंग वेन, स्लोप। ओके, ये रोटरी में आएंगे। नाउ सेंट्रीफ्यूगल पंप का वर्किंग हमने देखा है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर वी द वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप का जैसा वर्किंग है, सेम वही वर्किंग आपको सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का भी रहेगा। इंपेलर रहेगा, इंपेलर के वेन्स को हमने ऐसे डिवाइड किया था। ओके, इंपेलर जो है हमने ऐसे आपके इनवोल्यूट केसिंग में डाला था। सो आई ऑफ इंपेलर पे वाटर आ रहा था, वो वाटर इस इंपेलर पे जाने के बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वाटर ड्रॉपलेट जो है वो केसिंग के ऊपर स्ट्राइक हो रहे थे। केसिंग के ऊपर स्ट्राइक होने के बाद उनकी वेलोसिटी ड्रॉप हो रही थी, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। सेम यही भी रहेगा, एयर आएगी आपकी आई ऑफ इंपेलर पे, एयर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इसे बाहर थ्रो की जाएगी, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा एंड कंप्रेस्ड एयर यहां से बाहर आ जाएगी। सो दैट इज द सेम वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, पंप के जैसा ही है। नाउ हियर वी हैव टू सी द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, हमें रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर देखा है। अभी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप दोनों का भी वर्किंग सेम ही है, सिर्फ वर्किंग फ्लूइड का फर्क है। पंप में हम लिक्विड यूज करेंगे एंड कंप्रेसर जो है, कंप्रेसर में हम क्या यूज करेंगे, एयर यूज करेंगे, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द फंक्शन इज सेम। ओके, नाउ नेक्स्ट लेट्स सी द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। ये है हमें रेसिप्रोकेटिंग पंप देखना है। मैंने आपको बताया कि सिंगल स्टेज एंड मल्टी स्टेज। ये देखिए, ये सिलेंडर जो है, इस सिलेंडर का साइज आप देख सकते हैं इससे थोड़ा सा बड़ा है, इज इट, फर्स्ट सिलेंडर जो है, फर्स्ट सिलेंडर का डायमीटर सेकंड सिलेंडर से ज्यादा है, बराबर है का? यस सर। ओके, सो इट मींस इट इज लो प्रेशर कंप्रेसर, ये जो सिलेंडर है लो प्रेशर है। देन लेट्स मान लीजिएगा कि ये क्या करेगा, एटमोस्फेरिक एयर अंदर लेगा एटमोस्फेरिक प्रेशर से, इसका प्रेशर ये बढ़ाएगा। मान लीजिए इसका एक एटमोस्फेरिक से इसने क्या किया, इसका तीन एटमोस्फेरिक कर दिया प्रेशर। नाउ ये तीन एटमोस्फेरिक प्रेशर वाला जो एयर है ये इस सिलेंडर में जाएगा और इसमें और इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। यहाँ पे पहले ही और वॉल्यूम कम हो गया है, यहाँ पे इसमें वॉल्यूम और कम हो जाएगा। सो यहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाएगा तो आउटपुट में आपको मान लीजिएगा 5 एटमोस्फेरिक एयर मिल जाएगी। सो दिस इज द टू स्टेज, दिस इज द टू स्टेज। आया समझ में, टू स्टेज। अगर मैं सिंगल सिलेंडर यूज करूंगा, सिंगल सिलेंडर यहाँ से एयर अंदर लूंगा यहाँ से बाहर निकालूंगा, तो ये हो गया आपका ओनली सिंगल स्टेज, दिस इज ओनली द सिंगल स्टेज। अगर हम इस कंप्रेस्ड एयर को अगर दूसरे सिलेंडर में यूज करूंगा, ओके, तो वहां से अगर लूंगा तो ये हो जाएगी आपकी टू स्टेज, ये हो जाएगा आपका टू स्टेज। मतलब जितने नंबर ऑफ सिलेंडर्स उतने स्टेजेस में रहेंगे। आया समझ में? यस यस सर, यस सर। नाउ यहाँ पे देखिए, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो है इसके एक्चुअली पार्ट देखिए, दिस इज द व्हाट सिलेंडर, ये रहेगा आपका सिलेंडर, ये आएगा आपका सिलेंडर। दिस वन इज कॉल्ड एज द पिस्टन, ये जो है इसको हम बोलते हैं पिस्टन, दिस पार्ट। नाउ दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द कनेक्टिंग रॉड, दिस इज कॉल्ड एज द कनेक्टिंग रॉड एंड दिस वन इज कॉल्ड एज द क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट। नाउ लेट्स सी द मोशन ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट। दिस यहाँ पे जो सिलेंडर है, दिस इज द सिलेंडर, सिलेंडर जो है वो फिक्स्ड है, सिलेंडर फिक्स रहेगा। पिस्टन जो है, पिस्टन क्या करेगा आपका, रेसिप्रोकेट होगा, किसमें, सिलेंडर में, ऊपर नीचे होता रहेगा पिस्टन, सिलेंडर में पिस्टन रेसिप्रोकेट होता रहेगा। कनेक्टिंग रॉड जो है वो ऑसोलेट होता रहेगा, ऑसोलेटिंग मोशन।
ऑसिलेटिंग मोशन कनेक्टिंग रोड, क्रैंकशाफ्ट जो है क्रैंकशाफ्ट की क्या रहेगी रोटरी मोशन रोटेटिंग इन मोशन, क्रैंकशाफ्ट रहेगा रोटेटिंग मोशन क्रैंकशाफ्ट, ये यहाँ पे देखिए रोटेट होता रहेगा क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन नीचे ऊपर होता जाएगा, कनेक्टिंग रॉड ऑसिलेट होता जाएगा। ओ मैं आपको आगे दिखाता हूँ सब मोशंस, सिलेंडर फिक्स रहेगा। अभी क्रैंकशाफ्ट आपको मैं समझाता हूँ क्या है। आप सब लोगों ने सिलाई मशीन देखी होगी, यस देखिए क्या सभी ने सिलाई मशीन, किसी ने देखी नहीं ऐसा कोई है क्या? सिलाई मशीन किसी ने देखी नहीं है ऐसा कोई है क्या? यस ये देखिए ऐसी मशीन रहती है ये, ये इस टाइप मशीन रहती है, देखिए ना सभी ने। यस सर, यस सर। सो यहाँ पे देखिए अभी इस मशीन में आप देखिए, इस मशीन में यहाँ पे ये मैं इसको जूम करो थोड़ा सा, यहाँ पे देख सकते हैं आप इस मशीन में, यहाँ पे जो आपको एक पोर्शन दिखता है ये ऐसा पोर्शन, ये देखिए सर्कुलर पोर्शन। दूसरी इमेज में देखा था और तो इसमें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। मशीन मैं सिर्फ क्रैंकशाफ्ट क्या है ये दिखाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ, तो आपको इजीली थोड़ा सा समझ में आएगा। इसमें दिखाई देगा शायद, वन मिनट है। ठीक है यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे रहा है तो, लेकिन ठीक है जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस सेंटर, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेट रहते ना उस पर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मैं स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बताता हूँ, स्ट्रक्चर अगर आपने सेविंग मशीन देखी होगी तो सेविंग मशीन में आपने ये आपका पेडल रहेगा यहाँ पे, दिस इज द पेडल, ये आपका पेडल रहता है, देन पेडल से एक रॉड ऊपर आता है, पेडल से एक रॉड ऊपर आता है, देन ये जो रॉड है इसको ऐसा सर्कुलर सेक्शन रहता है इस रॉड को, और इस रॉड के बीच में आपने कभी ऐसा सेक्शन वाला एक पार्ट देखा होगा, ऐसा सेक्शन वाला पार्ट लाइक दिस सेक्शन। हैव यू सीन दिस वन, यहाँ पे ऐसे, यस ये जो पार्ट है ऐसा देखा है क्या? Yes, sir. Now let's see. ये पार्ट क्या करता रहता है? Yes, ये पार्ट क्या करता रहता है? अगर आपने गौर से देखा होगा ना तो ये रोटेट होता रहता है, ये जो पार्ट है ये पार्ट क्या होता रहता है? रोटेट होता रहता है। ये जो ये रॉड है ये रॉड क्या होता रहता है? ऐसा ऑसिलेट होता रहता है इस डायरेक्शन में, ऐसा ये ऐसा ऐसा होता रहता है, ये इज इट दिस पार्ट, this is called as a connecting rod and this is called as a crankshaft, so this is the same over here, ye crankshaft hai yahan pe aap dekhenge na to ye crankshaft hai, so let's see this connecting rod is connected over here, jaise hi ye position iske niche aati hai to piston dekhiye niche hai aur jaise position iske upar jati hai to piston dekhiye upar hai, so this is the connecting rod, okay I think now this is clear to you, ye clear abhi sabhi clear abhi connecting rod, yes sir. So this is a positive displacement pump. Now here, okay, we are going to see the how reciprocating compressor works. Now reciprocating compressor कैसे work? मैं आपको बताता हूँ. Let's see. ये जो cylinder है, this is the fixed portion. ये जो है क्या है आपका? Fixed portion है. ये cylinder रहेगा आपका fixed portion. ये हिलेगा नहीं. Piston जो है, piston क्या रहेगा आपका? Reciprocating. So जैसे ही crankshaft rotate होता है, when the crankshaft is rotating,
पिस्टन जो है, पिस्टन क्या होगा, नीचे आएगा. Now this is called as a TDC, top dead center. This is called as a BDC, bottom dead center. So crankshaft जैसे rotate होता है, वैसे piston क्या होता है, top dead center से bottom dead center पे आता है. So let's hear. जैसे ही piston ऊपर से नीचे आता है, वैसे ही यहाँ पे एक inlet valve रहेगा. ये inlet valve क्या हो जाता है, open हो जाता है, क्योंकि piston जैसे नीचे आता है, वैसे यहाँ पे suction pressure create होगा. Piston जैसे नीचे रहेगा, नीचे आएगा, यहाँ पे suction pressure create होगा. Due to that suction pressure, the atmospheric air will come in this chamber. इस चैम्बर में आएगी. नाउ जब पिस्टन पूरी तरह से बीडीसी में आएगा, पूरी तरह से नीचे आएगा, उस टाइम ये जो इनलेट वाल है, ये इनलेट वाल क्या हो जाएगी, आपकी क्लोज हो जाएगी. इनलेट वाल अगर क्लोज हो गई तो बाहर जो, बाहर से जो एयर आने वाली थी, वो एयर अंदर आएगी क्या भी? यस, बाहर से आने वाले एयर अंदर आएगी क्या भी? भावेश पाटिल, यस पाटिल भावेश, आर यू इन मीटिंग और नॉट? सो जो एयर है, वो एयर क्या होगी, यहां से अंदर आएगी. अभी इनलेट वॉल तो क्लोज है, सो इनलेट वॉल से एयर यहाँ चेंबर में नहीं आ सकती. नाउ अभी डिलीवरी वॉल भी जो है, वो डिलीवरी वॉल भी क्या हो गया है, क्लोज हो गया है. अभी पिस्टन देखिए, ऊपर से नीचे आया, टीडीसी टू बीडीसी आया. सो यहाँ पे पूरा का पूरा ये वॉल्यूम आपके गैस से फिलअप हो गया, एयर से फिलअप हो गया. नाउ अभी क्रैंकशाफ्ट की वजह से पिस्टन नीचे से क्या होगा, ऊपर तक जाएगा. अभी पिस्टन ऊपर जैसे जाएगा तो देखिए क्या होता है, कि ये जो एयर मॉलिक्यूल्स है, एयर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, आपके कॉम्प्रेस हो जाएंगे. सो कॉम्प्रेस हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा. सो एयर का प्रेशर बढ़ता है तो ये जो एयर है, ये डिलीवरी एग्जॉस्ट वॉल जो है, ये इस एग्जॉस्ट वॉल को क्या करेगी, यहाँ पे देखिए ओपन करेगी. ओपन करने के बाद इस एग्जॉस्ट वॉल से हमें कॉम्प्रेस्ड एयर बाहर मिलेगी. दिस इज द वर्किंग ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर. ओके, लेट्स सी हियर, दिस इज द वर्किंग ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर. यहाँ से आप देख सकते हैं एटमोस्फेरिक जो एयर है, एटमोस्फेरिक एयर अंदर आ रही है इनलेट वॉल के थ्रू. अंदर आने के बाद पिस्टन इसको कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेस करने के बाद ये डिलीवरी वॉल ओपन होगा, डिलीवरी वॉल के थ्रू हमें कंप्रेस्ड एयर बाहर मिल जाएगी. लेट्स सी द मोशन. पिस्टन मैंने आपको बोला था, पिस्टन आपका क्या है, रेसिप्रोकेटिंग में है. देखिए पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है पिस्टन. देन आपका कनेक्टिंग रॉड जो है, वो ऑसिलेटिंग मोशन में है, देखिए ऑसिलेट हो रहा है. एंड क्रैंकशाफ्ट रोटरी मोशन में है नीचे, सो क्रैंकशाफ्ट इज रोटेटिंग. सो दिस इज द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर. Now next move towards a turbine. Compressor समझ में है? Yes sir. राठौड़ अमित समझ में है? Compressor. Yes, अमित राठौड़. समझ लेगा compressor, समझ ले बड़ा तुला. Now let's move towards the turbine. अभी हम टर्बाइन की तरफ जाते हैं. अगर हम टर्बाइन देखें तो टर्बाइन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं. सो ये जो है, ये क्या रहेगा आपका, स्टीम टर्बाइन. ये आपका स्टीम टर्बाइन है. देन ये जो है, ये आपका हाइड्रोलिक टर्बाइन है. दिस इज द हाइड्रोलिक टर्बाइन. हाइड्रोलिक का ये स्पेसिफिक पेल्टन व्हील टर्बाइन है. हाइड्रोलिक का ये स्पेसिफिक पेल्टन व्हील है, ये हमने देखा है. देन ये जो है, ये भी हाइड्रोलिक टर्बाइन ही है. दिस इज द हाइड्रोलिक टर्बाइन. नाउ दिस इज द फ्रांसिस, ये फ्रांसिस टर्बाइन है. नाउ दिस इज अगेन द हाइड्रोलिक टर्बाइन. ये यहाँ पे मैं ब्लेड दिखा रहा हूँ आपको. दिस इज द ब्लेड्स ऑफ द टर्बाइन. दिस इज द कपलान, ये कपलान है. नाउ दिस इज द गैस टर्बाइन. ये जो है, ये गैस टर्बाइन है. एंड दिस इज द वाइंड टर्बाइन. I think all these terms are clear to you. Actually, turbine क्या term है, आप समझ, लोगों को समझ में आ गई होगी. Yes, turbine समझ में आया सभी को, क्या है actually? It is just the power to produce in device. Okay, it simply convert the working fluid power into the useful work. Working fluid जो रहेगा आपका, उस working fluid की power क्या करेगा, वो useful work में करेगा. In the sense, shaft power में करेगा. हर एक turbine से हमें shaft power मिलती है. So this is the turbines. Now, turbine is what?
generally the turbine is a rotary mechanical device that extracts the energy from fast moving flow of water either steam either gas either air or any other fluid koi bhi other fluid hai usko kya karta hai wo useful work mein convert karta hai useful work in the sense shaft power mein convert karta hai sir turbine se hame rotating shaft power milti hai okay now a turbine is a turbo machine with at least one moving part called as the rotor assembly turbine mein ek moving part rehta hai usko hum rotor bolte hain turbine mein ek rotor assembly either ek rotor rahega ya fir multiple rotor rahenge yahan pe dekhiye eight number of blades hain ye yahan pe ye ek blade hoga ye ek first rotor dusra rotor tisra chautha panchwa chhata then ye jo hai ye bhi brackets ye bhi rotor hai this is the rotor yahan pe ye two pura ka pura rotor hai ye bhi ye yahan pe dekh sakte this is the rotor then these are the different blades these are the different rotors then let's see these are the blades blades is rotor ko attach kiye so turbine has the one rotor assembly and we are just connecting the shaft or drum to that rotor okay generally blades are connected to rotor and rotor is connected to the shaft matlab hame jo blade hai blades ko power kahan se milegi blade ko power kon supply karne wala hai working fluid ब्लेड को पावर कौन सप्लाई करेगा वर्किंग फ्लूड में ये वर्किंग फ्लूड कुछ भी हो कंप्रेस्ड एयर हो स्टीम हो गैस हो वाटर हो कोई भी हो ये वर्किंग फ्लूड क्या करेगा ब्लेड्स को पावर सप्लाई करेगा ब्लेड्स रोटेट होगा तो रोटर को रोटेट करेगा देन रोटर हमने शाफ्ट के साथ कनेक्ट किया है तो शाफ्ट भी रोटेट होगा ओके सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द टर्बाइन Now moving fluid act on the blade so that they move and impart the rotational energy to the rotor. वही मैंने आपको बताया. Moving fluid क्या करेगा? It will act the rotary movement, rotational energy. क्या करेगा? Rotational energy किसको देगा? ये blades को देगा और blades rotor को देगा. So that is the turbine. Now here let's see. अभी turbine जो है, अभी हमें यहाँ पे hydraulic turbine देखना है. Here in our syllabus we have to complete the hydraulic turbine. Hydraulic में भी सिर्फ हमें Pelton wheel ही देखना है. Hydraulic में हमें सिर्फ Pelton wheel देखना है, बाकी नहीं देखना. So let's see the working principle is very much simple. What is the principle? When the fluid strike the blades, जब fluids इन blades के ऊपर strike करेंगे, यहाँ पे ये blade देखना है. This is the blade. ये दूसरा blade रहेगा. ये तीसरा blade रहेगा. Now can anybody tell me ये blade जो है यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इस figure में? इस ब्लेड के ऊपर जो वाटर है वो वाटर मैंने ऊपर से नीचे डाला है ऐसे वाटर यहाँ से आ रहा है तो मुझे बताइए ये जो ब्लेड है ये ब्लेड किस डायरेक्शन में रोटेट होगा ये इसकी रोटेशन की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज रहेगी फर्स्ट या फिर एंटी क्लॉकवाइज रहेगी सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज क्यों बताइए yes clockwise yeah, anti clockwise let's see here if you see the blade this structure is like this agar apne blade ka structure dekha na to blade ka structure aapko aise dikhai dega matlab jaise hi water is blade ke upar strike hota hai upar se to ye blade ko kya karega is direction mein push karega is it blade ko is direction mein push karega so aise number of blades hai to har ek blade is direction mein push hota jayega so this should be the clockwise rotation yahan se so yeah aa gaya phir clockwise rotation whereas abhi yahan pe dekhiye yahan pe different turbines hai ab mujhe bataiye ye jo Pelton turbine hai iski rotation kaun si rahegi clockwise rahegi ya anti clockwise this is anti clockwise and this one is the clockwise yes iski rotation kaun si rahegi first anti clockwise first or second yes Anti-clockwise. यहाँ पे जो वाटर जेट है ये भी इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही है यहाँ पे जो जेट है वो भी इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही है सो ये ब्लेड्स को इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी सो ये हो गया आपके एंटी क्लॉकवाइज नाउ इफ यू सी दिस फ्रांसिस टर्बाइन अगर आपने ये फ्रांसिस टर्बाइन देखा सो जो वाटर है वो वाटर ऐसे ऊपर से आएगा ये वाटर क्या करेगा ऐसे ऊपर से आएगा Now just tell me, इसकी रोटेशन कौन सी रहेगी अभी either clockwise ऐसे रहेगी या फिर anti-clockwise ऐसे रहेगी
फर्स्ट इज अ क्लॉक वाइज, सेकंड इज एंटी क्लॉक वाइज. यस, सीधा ऑब्जर्व द ब्लेड. यहाँ पे आपको अच्छी तरह से ब्लेड का शेप समझ में आएगा. इस ब्लेड को गौर से देखिए, जस्ट ऑब्जर्व दिस ब्लेड वेरी केयरफुली. इसको देखिए, आपको समझ में आएगा. अगर आप इस ब्लेड को ऑब्जर्व करते हो, लेट्स सी दिस ब्लेड. अगर आप इस ब्लेड को ऑब्जर्व करोगे आपको पता चलेगा यहाँ पे गैप है. यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे एक गैप है. दिस इज द गैप. सो जैसे ही वाटर फ्लो होगा, ऊपर से वो वाटर स्ट्राइक करेगा, तो वाटर कहाँ से जाएगा, इस गैप के थ्रू नीचे जाएगा ना. सो इट मीन्स वाटर इसको फोर्स एक्सर्ट करेगा और ये आगे पुश होगा, ऐसे पुश हो जाएगा. इट मीन्स इट विल गिव्स यू द क्लॉकवाइज रोटेशन. इट विल गिव्स यू द क्लॉकवाइज. इसका अगर देखा, इसको देखा तो कैसे मिलेगी रोटेशन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. वाटर इसके ऊपर स्ट्राइक होगा. यस, इसकी रोटेशन कैसे रहेगी, वाटर ब्लड के ऊपर ऐसे स्ट्राइक होगा तो. यस, एंटी क्लॉकवाइज इन दिस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा. ओके, सो दिस इज द रोटेशन ऑफ द टर्बाइन. आई थिंक नाउ रोटेशन इज क्लियर टू यू. Clockwise or anti-clockwise, it is clear to you. Yes, now, sir. Turbine. Now, in turbine, yahan pe rotation jo hai, we are supplying the power to these blades. So, blades are rotating this rotor. Is rotor ko ye rotate karega. Rotor is connected to the shaft. And now, this shaft is further connected to the generator. Next, generator ko connect kiya hai. Generator will produce the electricity. This is the working principle of the turbine. Now, basic type of the turbines. Turbine ke type dekhte hain. Water turbine hai. स्टीम टर्बाइन है, गैस टर्बाइन है, वेंट टर्बाइन है. अभी ये जो सब हम बोल रहे हैं, ये टर्बाइन्स, ये किसके ऊपर मैंने क्लासिफाई किए हैं, अकॉर्डिंग टू द वर्किंग फ्लूइड. वर्किंग फ्लूइड क्या है, इसके ऊपर मैंने इसको क्लासिफाई किया. वर्किंग फ्लूइड अगर वाटर रहेगा तो हम इसको बोलते हैं वाटर टर्बाइन. इसको हम हाइड्रोलिक टर्बाइन भी बोल सकते हैं. वी कैन कॉल इट एज हाइड्रोलिक टर्बाइन ऑल्सो. ये है स्टीम टर्बाइन. अगर हम स्टीम यूज करते हैं तो स्टीम टर्बाइन. अगर हम कॉम्प्रेस्ड गैस यूज करेंगे तो गैस टर्बाइन. अगर हम वाइंट यूज करेंगे तो वाइंट टर्बाइन. ना अगर वाटर टर्बाइन हम देखेंगे तो वाटर टर्बाइन के दो डिफरेंट टाइप किए गए, एक है इम्पल्स एंड दूसरा है रिएक्शन. अभी इम्पल्स क्या है, इम्पल्स टर्बाइन का बेसिक जो टर्बाइन है वो है पेल्टन टर्बाइन. यहाँ पेल्टन एंड रिएक्शन टर्बाइन जो है इसके दो है, इसके दो है. एक है आपका फ्रांसिस एंड सेकेंड वन इज द कपलर. ये तीन टाइप के टर्बाइन्स हैं. नाउ टेल मी इंपल्स, इंपल्स का मतलब क्या है. यस, इज एनीबडी टेल मी इंपल्स, टेल मी व्हाट इंपल्स. इंपल्स का मतलब क्या रहता है, फॉर्मूला ऑफ इंपल्स इज व्हाट, एफ इनटू टी, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स. अगर मैं क्या करता हूं, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स स्टिपुलेटेड टाइम के लिए, स्टिपुलेटेड टाइम के लिए, अगर स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, स्मॉल टाइम के लिए अगर मैं किसी भी चीज के ऊपर अप्लाई करता हूँ तो उसको हम बोलते हैं इम्पल्स. मतलब जब मैं हथौड़े से मारता हूँ, अगर लेट्स सपोज मुझे क्या करना है, दीवार के ऊपर एक किला इंसर्ट करना है, तो किले के ऊपर जब मैं हथौड़ा मारूंगा तो वो क्या क्रिएट करेगा, इम्पल्स क्रिएट करेगा. सो यहाँ पे इम्पल्स टर्बाइन में क्या है, सेम यहाँ पे आपके जो बकेट्स रहते हैं, ये बकेट्स, इसके ऊपर क्या करता हूँ मैं, वाटर स्ट्राइक करता हूँ. अभी एक वाटर ड्रॉपलेट जो है, एक वाटर ड्रॉपलेट वो यहाँ पे कितनी देर के लिए रखता है, विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. कितने दिन के लिए रहता है, विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, क्योंकि इसके ऊपर ये स्ट्राइक होगा और सडनली नीचे भी आ जाएगा. सो व्हाट्स दैट सिंगल वाटर ड्रॉपलेट विल अप्लाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स फॉर गिवन टाइम. सो दैट वाइज इट इज कॉल्ड एज द इम्पल्स. एंड रिएक्शन टर्बाइन जो है, रिएक्शन टर्बाइन में हम क्या करते हैं, रिएक्शन टर्बाइन में हम रिएक्शन जो है, For every reaction that is equal and opposite reaction, इस principle का use करते हैं. So यहाँ पे हम जो है, जो Francis blades और Kaplan blades हमने देखे थे, वो blades क्या करते हैं, reaction देते हैं. Centrifugal force की वजह से वहाँ पे क्या हो जाएगी, reaction हो जाएगी. क्योंकि हम क्या करते हैं वहाँ पे, हम क्या करते हैं, इसको rotate तो करते हैं, action दे रहे, force apply कर रहे, action दे रहे इसको, इसकी वजह से ये reaction देगा. Reaction क्या करेगा, ये फ्लूड को बाहर के डायरेक्शन में थ्रो करेगा, ये फ्लूड को बाहर के डायरेक्शन में थ्रो करेगा, एज वेल एज इट सेल्फ इट रोटेटिंग, खुद से खुद रोटेट भी होगा. दिस इज द रिएक्शन. नाउ इंपल्स एंड रिएक्शन दोनों में एक दूसरी चीज ऐसी है इंपॉर्टेंट, कि इंपल्स में हम क्या करते हैं, ओनली वी आर यूटिलाइजिंग द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूड, वेलोसिटी थ्रू नोजल. वेलोसिटी बढ़ाते हैं हम नोजल से,
ऑन लीन इम्पल्स टर्बाइन। एंड रिएक्शन टर्बाइन जो है, रिएक्शन टर्बाइन में हम क्या करते हैं, वेलोसिटी का भी यूज करते हैं एज वेल एज हम वहां पे प्रेशर का भी यूज करते हैं। अब वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी कहाँ से मिलेगी आपको, पिनस्टॉक से ही मिलेगी, लॉन्ग पाइप्स। एंड प्रेशर जो है वो प्रेशर दो चीजों से मिलेगा, एक तो इनवॉल्यूट केसिंग, इनवॉल्यूट केसिंग, एंड दूसरा जो है, दूसरा रहेगा आपका ड्राफ्ट ट्यूब। यस, ये ड्राफ्ट ट्यूब दोनों में से आपको मिलेगी। सो दिस इज द इंपल्स टर्बाइन एंड रिएक्शन टर्बाइन। यस, बोथ ऑफ क्लियर यू? दिस टू आर क्लियर, इंपल्स टर्बाइन रिएक्शन टर्बाइन? यस सर। जास्त हाई लेवल से शिकवत नाही ना मी तुम्हाला? यस सर। नक्की समजते नाही सगळं शिकवलं तुम्हाला, कडक करून चाललंय? समजते सर, समजते सर। ओके, नाउ लेट्स सी हियर, मूव टुवर्ड्स द इंपल्स टर्बाइन। अभी इंपल्स टर्बाइन हम देखते हैं। मैंने आपको सिंपली बोला था इंपल्स टर्बाइन क्या है, पेल्टन टर्बाइन। ये है पेल्टन टर्बाइन। पेल्टन टर्बाइन अगर आप देखोगे तो क्या है, ये रोटर है। दिस इज अ सिंगल रोटर। इस रोटर के ऊपर हमने क्या किया है, ये सर बकेट्स माउंट किए है, नंबर ऑफ बकेट्स, दीज आर नंबर ऑफ बकेट्स, दीज आर नंबर ऑफ बकेट्स। नाउ दिस रोटर इज कनेक्टेड टू द शाफ्ट, दिस इज द शाफ्ट, ये शाफ्ट रहेगा, इसको हमने कनेक्ट किया है। नाउ दिस इज द वाटर जेट, सॉरी दिस इज द वाटर जेट। वाटर जेट जो है, वाटर जेट क्या करेगी, इसको स्ट्राइक करेगी। नाउ लेट्स सी, जनरली दिस पेल्टन विल कॉल्ड एज अ टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन। व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन, लेट्स सी हियर। यहां पे देखिए, ये आपका रोटर है, आपका रोटर है, रोटर शाफ्ट से अटैच किया है। सो लेट्स सी, जो वाटर जेट आती है, वाटर जेट इस बकेट्स को टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती है। ये वाटर जेट आएगी, ये वाटर जेट क्या करेगी, इसको टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द टेंजेंशियल टर्बाइन, टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन। आया समझ में, टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन क्यों बोलते हैं इसको? यस यस सर। नाउ यहां पे हमने नोजल यूज किया है। नोजल का फंक्शन क्या है, इट विल इंक्रीज द वेलोसिटी, इट विल इंक्रीज द वेलोसिटी। सो हाई वेलोसिटी वाटर जो है वो इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी बकेट्स के ऊपर, बकेट्स विल स्टार्ट टू रोटेट, एंड दैट बकेट विल आल्सो रोटेट द रोटर, दैट रोटर वी आर कनेक्टेड टू द शाफ्ट। वही चीज है बार बार, बाकी दूसरा कुछ नहीं है इसमें। सो दिस इज द इंपल्स टर्बाइन। ओके, नाउ लेट्स सी, इसमें हम पेल्टन विल टर्बाइन देखेंगे। पेल्टन क्या है, पेल्टन टर्बाइन इज नेम्ड आफ्टर द Lester A. Pelton. Pelton की वजह से जो Pelton टर्बाइन कहा गया, it will implemented in 1880, 1880 में इसको implement किया गया था। Pelton will is a tangential impulse turbine. अभी tangential क्यों बोलते हैं, मैंने आपको अभी बता दिया आपको। Okay, and the available energy at the entrance is completely kinetic. Okay, as I already told you that Pelton turbine is what, impulse turbine. So impulse turbine में हम सिर्फ क्या करते हैं, velocity का use करते हैं। Whereas in reaction turbine, we are using velocity and pressure. So यहाँ पे हम सिर्फ क्या करेंगे, completely kinetic energy का use करेंगे। Now ये velocity हम nozzle से भी बढ़ाते हैं, nozzle and penstock। ये velocity हम किससे बढ़ाएंगे, nozzle and penstock से। और यहाँ पे जो है reaction turbine में velocity हम किससे बढ़ाएंगे, only through the penstock and pressure, draft tube and your casing. So further, it is preferred at a very high head. Just keep remember, Pelton will हम high heads के high head के लिए use करते हैं, and low discharge, और discharge अगर आपको कम चाहिए तो, okay. And the pressure available at the inlet and outlet is atmospheric. Okay, this is the very important. Pelton will में जो pressure अंदर आता है, मतलब जिस pressure से water strike होता है, वो भी pressure atmospheric ही रहता है, and जब हम उसको बाहर release करते हैं after striking on the बकेट्स, बकेट के ऊपर स्ट्राइक होने के बाद हम जब वाटर को बाहर थ्रो करते हैं तो वो भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक ही होता है। ओके, नाउ पेल्टन विल ऑपरेट बेस्ट विद द हेड फ्रॉम व्हाट, 1500 to 1800 meters, 1800 meters तक ही हम यूज कर सकते हैं। ओके, दिस इज द पेल्टन विल, है आपका पेल्टन विल। यहाँ पे देखिए पेल्टन विल के लिए क्या है, ये रहेगा आपका पेनस्टॉक का पाइप। ओके, नाउ लेट्स सी, दिस इज द स्पीयर, दिस इज द स्पीयर, इट विल कंट्रोल द फ्लो ऑफ
वाटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर स्पीयर जो है, स्पीयर में अगर लेफ्ट डायरेक्शन में लूंगा तो ओपनिंग ज्यादा क्रिएट होगी, सो मोर वाटर विल गेट फ्लो. अगर मैं इसको लेफ्ट राइट डायरेक्शन में स्पीयर को मूव करूंगा तो वाटर की फ्लो की क्वांटिटी कम आएगी. सो इट विल डायरेक्टली स्ट्राइक ऑन दिस बकेट, बकेट से नीचे वाटर सीधा नीचे आएगा एटमोस्फेरिक में, ये टिलरस में जाएगा. नाउ दिस आर कॉल्ड एज द ब्लेड्स, ये है आपके ब्लेड्स, दिस इज द ब्लेड, ये आपको पता है. दिस इज कॉल्ड एज द रनर, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द रनर. ओके, यहाँ पे ऊपर जो है ब्रेकिंग जेट है, ये ऊपर जो है ब्रेकिंग जेट है. अगर आपको स्टॉप करना है तो यहाँ से स्पीयर से पूरा का पूरा फ्लो बंद कर दो, यहाँ से ब्रेकिंग जेट से वाटर स्टार्ट कर दो. ये वाटर क्या करेगा, इसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स दे देगा, सो इट विल गेट स्टॉप, इसका रोटेशन स्टॉप हो जाएगा. लेट्स सी द नोजल विद द गाइड मैकेनिज्म, ये आपके नोजल है, दिस इज कॉल्ड एज अ स्पीयर, ये है स्पीयर. इसको हम जब लेफ्ट में मूव करेंगे ओपनिंग ज्यादा क्रिएट होगा, राइट को मूव करेंगे तो ओपनिंग क्लोज होगा. This is the nozzle. So nozzle are used to generally increase the velocity. ये buckets है. This is the runner buckets. Now let's see this bucket. This portion is called as the splitter. इसको हम splitter बोलते हैं. क्योंकि जब भी water jet इसके ऊपर strike होगा, water jet. Okay. Water jet जो है water इसके ऊपर strike होगा, तो water क्या हो जाएगा? Equally split हो जाएगा. यहाँ से आधा इधर जाएगा. यहाँ से आधा इधर जाएगा. Okay, this is the splitter. Then this portion, इसको हम बोलते हैं undercut. ये जो cut किया हुआ portion है, इसको हम बोलते हैं undercut. You can observe here. This is undercut. Here, you can observe the undercut. Undercut क्यों देते हैं? मैंने आपको पहले ही बता दिया था. Undercut हम क्यों देंगे? I will show it in the video. Undercut क्यों देते हैं? मैं आपको अपने video में बता रहा हूँ. Now this is the casing. ये है Pelton mill की casing, means the covering. Casing means the covering. Now let's see generally this is made up of cast iron or fabricated steel plates. ये जो casing है covering, ये किससे बनी होती है? Cast iron से या फिर fabricated steel plates से. अभी यहाँ पे covering देने का सिर्फ यही motto है कि it will protect from injury. Protect from injury. सिर्फ injury ना हो इसलिए इसको क्या किया गया है, यहाँ पे mount किया गया है. Otherwise इसका ऐसा कोई specific या फिर scientifically reason नहीं है कि जो turbine की efficiency को बढ़ा सके. सिर्फ आपको इंजरी ना हो, इट विल अवॉइड द एक्सीडेंट, इसलिए सिर्फ ये केसिंग यहाँ पे यूज किया गया है. अदरवाइज बाकी कुछ नहीं है. और वाटर जो है, वाटर सिर्फ बाहर ना आ सके, पूरा का पूरा वाटर यहाँ से ही सिर्फ बाहर अंदर वापस जा सके, इसलिए सिर्फ ये केसिंग किया गया है. अदरवाइज देयर इज नो नीड टू अवॉइड दिस केसिंग. ओके, नाउ नंबर ऑफ जेट्स. नाउ लेट्स सी दिस नंबर ऑफ जेट्स. अब यहाँ पे देखिए, दिस इज द 1, इट इज 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 number of jets हमने use किए हैं. So number of jet will increase the efficiency. It will increase the efficiency. Now इसका जो calculation है, how much number of nozzles, number of jets we have to use. Okay, number of nozzles कैसे, कितने बढ़ाने हैं, कितने तक use करने हैं, इसका सब calculation आप जब third year mechanical में जाते हो, if you go in the TE mechanical, there is one subject, turbo machine. उसमें सब इसका सब कैलकुलेशन है, कितने नंबर ऑफ जेट्स हमें यूज करने हैं, पेल्टन व्हील की डायमीटर क्या रखनी है, कितने नंबर ऑफ बकेट्स हमें यूज करने हैं, दैट ऑल इज गिवन इन दैट सब्जेक्ट प्रोफेशंस में. बट जनरली वी आर यूजिंग द 4 नंबर ऑफ जेट्स अप टू द 6 और 8. 4 6 8 यहां तक हम यूज कर सकते हैं नंबर ऑफ जेट्स. ओके, नंबर ऑफ बकेट्स इज अ डिफरेंट थिंग. ये नंबर ऑफ बकेट्स हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे ये हो गए नंबर ऑफ बकेट्स, एंड ये हो गए आपके नंबर ऑफ जेट्स. बोथ आर द डिफरेंट. नेक्स्ट पेल्टन व्हील टर्बाइन जो है, ये है यहाँ पे देखा तो मैं, समझ लगा पेल्टन व्हील, समझ लगा सगळ्यांना? Yes, all of you want the Pelton wheel? Yes, sir. Yes, sir. समजत नसेल तर विचारावर करे मला की सर हे समजलं नाहीये, कोणा सांगा म्हणून. Starting. Okay, here it will start.
Longer series is the Pelton turbine. A power that I guess. No, sir. Okay, chalega. Main batata hu. Let's see, this is the nozzle. ये जो है ये nozzle है. ये देखिए, this is the spear rod. We can control the flow of water through this spear rod. यहाँ पे देख सकते हैं. These are the buckets. That buckets are mounted on the Pelton turbine. अभी ये जो buckets हैं, these buckets are designed like this. ये यहाँ पे देखिए, ये splitter है. So how this splitter will split the water jet into two equal parts? ऐसे इसको क्या करेगा? दो equal parts में क्या करेगा? Splitter water को divide करेगा. नाउ यहाँ पे देखिए, जो अंडरकट आपको यहाँ पे दिख रहा है नीचे, हियर यू कैन सी, सबसे बेस में अगर अंडरकट नहीं दिया ना, मान लीजिएगा अगर अंडरकट नहीं दिया है, अभी यहाँ पे जो बकेट इन्होंने दिखाई है, जस्ट कंसिडर यहाँ पे जो बकेट दिखाई है ना, कंसिडर कीजिएगा कि ये बकेट यहाँ पे है, ये जो बकेट है, दिस बकेट दे आर शोन ओवर हियर, जस्ट कंसिडर दिस वन. अगर मान लीजिएगा कि अंडरकट नहीं रहा, तो इस किसी भी बकेट को अंडरकट नहीं रहेगा. अगर अंडरकट नहीं रहेगा तो मान ले, अभी देखिए, जब ये वाटर इसके ऊपर स्ट्राइक होगा, इस बकेट के ऊपर स्ट्राइक होगा, तो ये जो अगली वाली बकेट इसके ऊपर अगर वो अंडरकट नहीं रहा तो क्या करेगा, ये पोर्शन जो पूरा पोर्शन रहेगा, ये इस वाटर जेट को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा इसके ऊपर स्ट्राइक होने से. ये पूरी तरह से इसको क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा इस पहले वाले बकेट को स्ट्राइक होने से. So, अगर अंडरकट रहा, इसके ऊपर अंडरकट है, इसकी वजह से क्या होगा, इस अंडरकट की गैप में से वाटर क्या कर जाएगा, इजीली पिछले वाले बकेट पे स्ट्राइक हो सकता है. दैट्स व्हाई दिस अंडरकट इज प्रोवाइडेड. आया समझ में? अंडरकट क्यों प्रोवाइड किया गया है? ओके, हियर हम काइनेटिक एनर्जी कन्वर्जन रोटेशनल एनर्जी में करते हैं. अंडरकट नहीं रहता तो पूरा का पूरा डिस्टर्ब कर देता. नेक्स्ट बकेट जो है वो पिछले वाले बकेट के स्ट्राइक होने के लिए वो क्या करती, पूरी तरह डिस्टर्ब कर देती फ्लो को. दैट्स व्हाई दैट अंडरकट इज प्रोवाइडेड. यहाँ पे देख सकते हैं, स्पीयर यहाँ पे है, सम गैप है, इसकी वजह से वाटर यहाँ से बाहर जा सकता है. अगर इसको मैंने क्लोज कर दिया, सो इट विल क्लोज द ओपनिंग फॉर द वाटर जेट. ये देखिए अंडरकट क्यों दिया गया है, हियर यू कैन ऑब्जर्व. लेट्स सी, अभी देखिए यहाँ पे इस बकेट के ऊपर मुझे क्या करना था, जेट इंपैक्ट करना था इस पिछले वाले बकेट के ऊपर. अंडरकट यहाँ पे दिया है, इसकी वजह से इस गैप के थ्रू इजीली वाटर क्या जाएगा, इस बकेट को पास करके पिछले वाले बकेट के ऊपर स्ट्राइक हो सकता है. अंडरकट नहीं दिया तो ये वाटर को क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी. नंबर ऑफ बकेट्स हमें कितने यूज करने हैं वो हम देखते हैं. Let's see, this is the splitter. Splitter क्या करता है? Water को split करता है. ये देखिए, यहाँ पे this is generated the Pelton field. Now move towards the reaction turbine. Now अभी देखिए reaction में दो type है. रिएक्शन में हमने, मैंने आपको पहले बोला था, रिएक्शन में हम प्रेशर एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी दोनों का यूज करते हैं. सो इन रिएक्शन टर्बाइन, फोर्स ड्राइविंग द रोटर आर अचीव्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एक्सीलरेटिंग वाटर फ्लो. वाटर फ्लो यूज हम करेंगे. नाउ यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप होता है. इन रिएक्शन टर्बाइन टॉर्क डेवलप बाय द रिएक्टिंग टू द फ्लूइड्स प्रेशर. द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड चेंजेस एज इट पासेस थ्रू द टर्बाइन रोटर प्लेट्स. ओके, ये बताया मैंने आपको. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द कपलन. ओके, अभी ये देखिए कपलन टर्बाइन है. अभी कपलन टर्बाइन जो वाटर आता है, जो वाटर आता है वो एक्सिली आएगा, एंड वाटर जो एग्जिट होगी वाटर की वो भी एक्सिली होगी. मतलब एंट्री जो है, एंट्री भी एक्सिली है और एग्जिट जो है वाटर की वो भी एक्सिली है कपलन में. ओके,
ऐसे वाटर आएगा, इसको स्ट्राइक करेगा, बकेट जो है बकेट अभी यहाँ पे एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट होंगे. दिस इज द कपलन टर्बाइन. फ्रांसिस टर्बाइन जो है मिक्स फ्लो है. फ्रांसिस टर्बाइन क्या है? मिक्स फ्लो है. लेट्स सी यहाँ से. ओके, वाटर जो है वाटर यहाँ से आ गया, इसके ऊपर स्ट्राइक हो गया और सीधा यहाँ से फिर वापस ये इस डायरेक्शन में, मतलब एक्सेल डायरेक्शन में वाटर की एंट्री होगी. वाटर जो है वो एक्सेल डायरेक्शन में होगी, बट एग्जिट जो है वो एग्जिट जो है वो रेडियल डायरेक्शन में है. दिस स्ट्राइक यहाँ से इसकी एग्जिट होगी. ओके, सो दिस इज द फ्रांसिस टर्बाइन, इज द मिक्स फ्लो. सो जनरली लेट्स सी इनका फर्क क्या है कंपैरिजन बिटवीन दिस पेल्टन. ओके, जस्ट टू मिनट्स मोर. ये पेल्टन टर्बाइन तो आप सबको पता है. दिस इज द कपलन, सेकंड वन इज द फ्रांसिस एंड लास्ट वन इज द कपलन. बीच में जो है वो फ्रांसिस है. ये देखिए, ये ड्राफ्ट ट्यूब है. यहाँ पे जो आपको नीचे दिख रही है यहाँ पे ड्राफ्ट ट्यूब है, यहाँ पे भी ये ड्राफ्ट ट्यूब है. सो यू कैन ऑब्जर्व दैट पेल्टन व्हील पे हम ड्राफ्ट ट्यूब यूज नहीं करते. वेयर एज इन रिएक्शन टर्बाइन मीन्स फ्रांसिस एंड कपलन, इन दोनों में क्या करते हैं, हम ड्राफ्ट ट्यूब यूज करते हैं टू इंक्रीज द प्रेशर. Okay, here the impulse force of jet is impacted on the Pelton wheel. That impulse force will rotate the blades. Now it generally used for the high heads. Pelton wheel जो है वो high head के लिए use करते हैं. Whereas ये जो है भी Francis turbine, ये देखिए अभी ये इसकी entry जो है वो axial है और exit भी axial ही है. Now these are used for low heads. This Francis turbines are used for the low heads. Sorry, this is the Kaplan. This is the Francis. ये medium head के लिए use करते हैं. देखिए water इस direction में आएगा. Water यहाँ से आ रहा है. नीचे से जा रहा है. This is the mixed flow. ये medium head के लिए use करते हैं. These are used for the medium heads. So let's see the head versus discharge. Head versus discharge. High head, low discharge के लिए Pelton. Medium head, medium discharge के लिए Francis. And low head and low discharge के लिए, high discharge के लिए आपका Kaplan. So these are the turbines. So like this, we have completed. This is the mixed flow. ये देखिए mixed flow है. ये tangential flow, ये mixed flow. ये एक्सियल फ्लो, ऊपर से वाटर आएगा नीचे से जाएगा. मिक्स में रेडियली अंदर आएगा, एक्सियली बाहर जाएगा. मिक्स फ्लो में टेंजेंशियली में टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा. दिस इज द ओवरऑल अबाउट योर टर्बाइन.